हिमाचल में फैलती बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर प्रदेश कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। प्रदेश कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ धर्मशाला के शहीद स्मारक से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली। बेरोजगारी के मुद्दे व बाहरी राज्यों के युवाओं को प्रदेश सरकार द्वारा दिए जा रहे रोजगार को लेकर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि वर्तमान की जयराम सरकार बाहरी राज्यों के युवाओं को हिमाचल में रोजगार देकर हिमाचल के युवाओं के साथ धोखा कर रही है, जिसके चलते प्रदेश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके प्रदेश की वर्तमान सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। राठौर का कहना है कि प्रदेश सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली है, लेकिन अभी तक प्रदेश में कोई नया उद्योग स्थापित नहीं हुआ है जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से आह्वान किया कि अब हिमाचल में उपचुनाव होने वाला है और एक उपचुनाव कांगड़ा के फतेहपुर में भी होने वाला है, जिससे कांग्रेस भाजपा को शिकस्त देगी। जो मुख्य मुद्दा है वो बेरोजगारी को लेकर, आज हिमाचल प्रदेश में जो बेरोजगारी है वो चरम सीमा पे, पूरे देश में हम 3रे नंबर पे पहुंच गए। और कोरोना के समय में हमारे जो छोटे उद्योग हैं, हमारे जो MSME हैं, हमारे जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग जो है वो बंद हो गए, और वहाँ भी जो है काफ़ी नौजवान छटनी किए गए, वो भी बेरोजगारों की पंक्ति में शामिल हुए। और जब कोरोना के समय में लॉकडाउन हुआ, देश के में भी बहुत सारी कंपनियां बंद हुई, वहाँ भी जो छटनी हुई, हमारे जो हिमाचल के नौजवान थे वो वापस हिमाचल आए, लेकिन सरकार के पास अभी तक कोई आंकड़ा नहीं है। नए जो है उद्योग, नए जो रोजगारों का कोई सृजन हो नहीं रहा। इक्का दुक्का जो सरकारों में नौकरी, सरकार में नौकरियां निकलती है वो भी बाहर के प्रदेशों के लोगों को दी जा रही है। पीछे सचिवालय में हुआ, कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। और अभी जो है विद्युत विभाग और PWD में 13 जूनियर इंजीनियर बाहर के प्रदेशों के रखे गए, और उन प्रदेशों के रखे गए जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये गाल मेल है। हम इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिमाचल के नौजवानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, कांग्रेस पार्टी जो है पूरे प्रदेश में सड़कों में उतरी है। हमने हर जगह पे जिला स्तर पे प्रदर्शन किए हैं, और आज हमने कांगड़ा जिला में प्रदर्शन किया। मैंने अपने जो अध्यक्ष हैं अजय महाजन जी को कहा था कि इस प्रदर्शन में मैं स्वयं शामिल हूँगा, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी पार्टी की जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पूर्व में अध्यक्ष रही हैं, मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, विप्लव ठाकुर जी, वो भी यहाँ पहुँची हैं, चंद्र कुमार जी, हमारे 2 विधायक पवन काजल जी, आशीष पुटेल जी, संजय रतन जी, केवल पठानिया जी, किशोरी लाल जी, और गोमा जी, स्पैया जी, मनकोटिया जी, जितने भी कांग्रेस पार्टी के हमारे यहाँ स्थापित नेता हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। और हमने आह्वान किया है कांगड़ा के नौजवानों को कि इस अन्याय के खिलाफ हम जो है संघर्ष करेंगे। और आने वाले जो 4 उपचुनाव है, जिसमें एक चुनाव फतेहपुर से भी होने वाला है, इस उपचुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे।